नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मरुजिन सा। सर आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ स्क्रू ड्रेस का। सर आप मतलब एक वेल सेटल्ड है, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह पे क्या करने आते हो, आखिर क्या मिलता है? हाँ, हमें मानवता भलाई के बहुत बहुत सारे कार्य सिखाए जाते हैं और डेरा सच्चा सौदा में जो होता है मैं दुनिया में आज तक नहीं देखा। ब्लड दान, इतने मतलब भलाई काम होते हैं कि बस मैं ये देखने मिलता है वहाँ पे कि बस इंसानियत के नाते सभी लोग फ्री में कुछ पैसा चढ़ावे लेते और फ्री में ही वहाँ मतलब अपना वो करते हैं। सर आप कह रहे हो कि संत जी के यहाँ पर कोई पैसा पाई नहीं लिया जाता। पहला क्वेश्चन कि वहाँ लोगों ने बोला था मीडिया चैनलों पर कि दान चढ़ावा जाता है, क्या कहना चाहोगे? आपने कभी दिया है? मैंने कभी कोई दान नहीं दिया, सिर्फ मानवता भलाई के जो कार्य होते हैं वो उनमें ही मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। अभी तक मैं सन 2001 से जुड़ा हुआ डेरा से और मुझे वहाँ कोई भी ऐसा मतलब तब दिखाई नहीं दिया जहाँ दान लिया जाता। जैसे मीडिया तो देखो, मीडिया ने तो बहुत गलत दिखाया गुरु जी के बारे में, वहाँ मुझे इतने जुड़े हुए, मेरी बहन मेरी माँ सभी वहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा कभी मैं देखने नहीं मिला। सर लड़कियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? लड़कियां वहाँ देखो मेडिकल कॉलेज हैं, मतलब कॉलेज हैं वहाँ पे सिरसा में, वहाँ कॉलेज रहती हैं लड़कियां, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, लेकिन जो मीडिया ने उछाल उछाल के दिखाया ना बहुत ही गलत दिखाया है। सर आपकी मतलब जो बहन बेटी या फिर जो भी है आपके घर में महिलाएं, वो जाती हैं वहाँ रेगुलर? हाँ रेगुलर जाती हैं वहाँ, सेवा करती हैं वहाँ, रहती भी हैं और वहाँ रह के सेवा भी करती हैं। और जैसे कभी होता है कि वहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था मतलब वैसी होती है नहीं, कुछ नहीं होता वहाँ, सिर्फ वहाँ इंसानियत ना जो वो है वो सिखाया जाता है। सर मानवता भलाई के कार्य कुछ कर रहे हैं संत जी के यहाँ से लोग, या फिर कितने करवाए? इस टाइम तो 135 मानवता भलाई कार्य चल रहे हैं हमारे, जो बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लेते हैं। जैसे कभी कोई फंक्शन हुआ, बर्थडे हुआ या कोई एनिवर्सरी हुई, तो हमेशा हम ऐसे काम करते हैं, ब्लड दान, गरीब बच्चों को कपड़े दान करना, या कोई जैसे गरीब महिला होती है उनको एक महीने राशन देना, मदद करना। तो इस तरह के हम जो हमारे बर्थडे एनिवर्सरी जो खुशी का मौके होते हैं, तो हम उन जैसे दिवाली हुई, दिवाली पर हमने सभी को अब सभी ने ग्रुप बनाया और मिठाइयाँ बांट के आई, जिनके जिनको मिठाई लेने के मतलब लायक नहीं उनको मिठाइयाँ मदद की हमने। तो इस तरह बहुत बड़ी बात है सर, मगर आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते संत जी आगे बढ़े और उनके जो कार्य हैं अच्छे कार्य हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे? ये देखो गुरुजी ने एक बार बताया भी था कि उनको धमकी दी जा रही थी, वो नशे के खिलाफ बोल रहे थे, जब नशा जैसे नशा नहीं करना तो नशा छुड़वाना है, तो जो हमारे ड्रग माफिया हैं तो उन्होंने उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया कि आप ये बोलना छोड़ दो वरना हम आपको बहुत ही बुरा करेंगे आपके साथ। तो गुरुजी ने ये बोलना नहीं छोड़ा, गुरुजी ने कहा हमारा भगवान है, हम सच्चाई बोलेंगे सच्चाई दिखाएंगे। बस तो हमने यही देखा कि जो जैसे राजनीतिक तत्व कुछ मतलब ड्रग माफिया उन्होंने मिलकर कुछ घोटाला किया है, गुरुजी को फंसाया गया है। सर संत जी ने इतने सारे कार्य करवाए, लड़कियों के लिए कुछ कार्य कराए बता सकते हैं आप? लड़कियों को बहुत सारे कार्य करवाए हैं, देखो जैसे जो हमारे सबसे बड़ा एक वो था जो समाज में हीड़ा कहा जाता था, जो हमारी वैश्यवृत्ति अलग है, लेकिन जो जिन्हें बहुत ही मतलब किन्नर जो थे उनको बहुत ही मतलब निगाह से देखा जाता था, गुरु जी ने उनको एक अच्छी धारा में लाकर उनका मतलब उच्चार किया, उनको कुछ मतलब आगे बढ़ाया, मतलब अपनी अपनी धारा में लेके उनका नामो निशान क्यों नहीं आखिर, मतलब बहुत बड़ी बात है ये थर्ड जेंडर का दर्जा, यानी कि अब उनको नौकरी भी मिल सकती है, बहुत बड़ी बात है ये लोगों का। आगे भी जो आ रहे हैं जो कि हताश हो जाते हैं, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं, तो आखिर गुरुजी का नाम क्यों नहीं? गुरुजी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं राजनीतिक तत्व है क्या है, लेकिन मैं ये चाहूँगा मीडिया से एक बार यही कहना चाहूँगा, आपसे सभी से ये अनुरोध है आप एक बार देखें, सच्चाई को दिखाएं, सच्चाई को दिखाओगे तो आप भी कुछ देखो, ये दुनिया है, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, लेकिन हम वहाँ जाते हैं, हमारे परिवार जाते हैं, हम करोड़ों लोग हमारे सब जाते हैं, लेकिन किसी को भी ऐसा वहाँ देखने को नहीं मिलता जहाँ वहाँ कुछ गलत दिखाया जाता हो। सर आज समाज को संत जी की जरूरत है लगता है आपको? बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो तो ये भी
भी कह रहे थे कि जैसा अगर हमको कुछ मतलब रियायत मिल जाए तो हम अपनी जो करोड़ों फॉलोवर्स हैं उनको जो दुनिया में जो काम हो रहे हैं, जैसे कोरोना आया था अभी, कोरोना में उन्होंने चिट्ठी में लिख के हमको बताया कि बेटा ये काम करना है और मानवता भलाई में ये आपको जाके करवाना है। तो सभी ने देखो एम्बुलेंस वगैरह, बहुत से जैसे जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको फूड वगैरह किट बांटना, तो हमने बहुत से कार्य कोरोना भी किए जो उनके प्रति जो उन्होंने हम बताया। सर आपने मतलब कोरोना में भी आप गए थे और बांटा था जो भी गुरुजी ने आपके कहा था? हाँ हाँ, मतलब एक चिट्ठी के प्रति हमें सचेत किया था उन्होंने, चिट्ठी आई थी कि सभी को ये काम करने हैं, तो हमने उनके तो वचन मानते हैं सभी, तो हमने सभी ने अपना भीड़ उठा लिया जी हमें करना ही करना है, तो हमने जैसे सभी को अपना फ्रूट किट बांटी, और जो जो कोरोना में जैसे डॉक्टर नर्सेज पुलिसकर्मी जो भी थे हमने सारा सहयोग किया उनका। सर अगर आज संत जी नहीं है तो आपको क्या लगता है, देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है हमारे? जी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर वो होते तो अगर वो वहाँ बैठे इतना कर सकते हैं और इतने मतलब बिना करे तो संगत कर रही है, अगर वो होते तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं उनको रोकते, उनको मतलब अच्छी तरीके से वो करते। सरकार से क्या अपील करो? सरकार से अपील करना चाहूँगा जी, गुरु जी निर्दोष हैं, उनको एक बार अगर आपको नहीं लगता है कि ये मतलब गलत हैं, एक बार सभी से सर्च करें, देखें, उनको रिहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोगों का यही कहना है कि संत जी की आज समाज को जरूरत है, और समाज में संत जी नहीं है तो इसके कारण से नशा वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।